नेता से भविष्यवक्ता बने राहुल गांधी। वोटिंग के बीच राहुल की चौंका देने वाली भविष्यवाणी, क्या अधूरा रह जाएगा पीएम मोदी का 400 पार का ख्वाब। धर्म से कौल ब्राह्मण, कर्म से कांग्रेसी, राहुल की बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब की बार का लोकसभा चुनाव गारंटी के तले लड़ा जा रहा है। क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, हर कोई अपने अपने मैनिफेस्टो में लोक लुभावन गारंटी दे रहा है। भारत यात्रा से लेकर न्याय यात्रा निकालने वाली कांग्रेस हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय की गारंटी दे रही, तो वही दूसरी तरफ मोदी सरकार फूड प्रोसेसिंग हब से जॉब्स दिलाने की गारंटी दे रही। महिलाओं के लिए नौकरी में 50% आरक्षण की गारंटी, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी दे रही। नारी तू नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की गारंटी। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी। गारंटी देने में ना ही कांग्रेस पीछे है और ना ही बीजेपी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता के दिलों को जीतने की गारंटी कौन देगा। 400 पार का जो सपना पीएम मोदी ने दिखाया, क्या वो कांग्रेस के रहते साकार हो पाएगा। 2 से 303 सीटों तक पहुंची भाजपा, क्या अब की बार कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ पाने में कामयाब हो पाएगी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इन दिनों देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखा जाए तो पीएम मोदी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। कांग्रेस का दौर 1984 का लोकसभा चुनाव, ये वो समय था जब इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई हमदर्दी ने राजीव गांधी को सत्ता के सिंहासन पर बिठा दिया। राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए इस चुनाव में कांग्रेस को 401 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने वजूद को बचा पाई थी। अब जब समय ने करवट ली है तो 138 साल पुरानी कांग्रेस 52 सीटों से शून्य तक पहुंचने की कगार पर। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस का डाउनफॉल दुनिया देख रही। राहुल की लीडरशिप में नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस बैक टू बैक कई चुनाव हारी और एक बार फिर भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन जीत हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर फोड़ा जाता है। यही कारण है कि राहुल नेता से भविष्यवक्ता भी बन गए, जो कि चुनावी मौसम में चुनावी हिंदू बाहर निकल आते हैं। नेताओं का जनसंपर्क शुरू हो जाता है, इस कारण नेताओं से लेकर भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी करने का सिलसिला भी आरंभ हो जाता है। अब की बार वोटिंग के बीच राहुल गांधी की भविष्यवाणी सामने आई। पीएम मोदी के 400 पार के नारे पर राहुल गांधी ने भाजपा के भविष्य की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। 30 सेकंड में राहुल ने सीटों को लेकर बड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी की। उन्होंने अपनी इंट्यूशन पावर से सीटों की भविष्यवाणी की। अब की बार राहुल का कहना है, बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अब की बार का चुनाव लड़ रही। राहुल गांधी यही मानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और अडानी जैसे बड़े अरबपतियों का समर्थन करके रोजगार सृजन की व्यवस्था को कम कर दिया। ऐसे में अगर जनता कांग्रेस को चुनेगी तो राहुल गांधी युवाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन क्या ऐसा करके राहुल दादी के गरीबी हटाओ नारे को हकीकत बना पाएंगे। भाजपा के लिए 150 सीटों की भविष्यवाणी करने वाले राहुल गांधी क्या खुद की पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे, इस पर आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बहरहाल 400 पार सीटों को लेकर संसद की चौखट से पीएम मोदी क्या भविष्यवाणी कर चुके हैं वो भी सुनिए। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं।
बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिले। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सौराखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है, देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है,
और नथिंग विल गो टू कोलकाता। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएंगे।